लिए बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद तो हमारी इज्जत हुई है। बैठे दलजी, तुम भी बैठो। जी आंटी। परिणीति सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर हमारी पार्वती जी जो हैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई हैं। फाइनली उसने नीति को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया और नीति को मेंटल भी साबित कर दिया। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो नीति को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। और ये बात जो है गुरविंदर और दलजीत से बिल्कुल नहीं सही जा रही, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई नीति बिल्कुल ठीक है, वो गुस्से में आकर ऐसा बर्ताव करती है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप ही क्यों कर रहे हो, मत करना बड़ी माँ। चुप रहे, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। बड़ी माँ प्लीज मेरी बात सुनो, आप ही क्यों कर रहे हो बड़ी माँ, प्लीज मत करो बड़ी माँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी ठान लिया कि भाई नीति बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बिहेव कर रही है और उसे इन सभी इलेक्ट्रिक शॉक्स की बेहद जरूरत है। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर्स फिलहाल के लिए नीति को डिस्चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि नीति के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी नीति बहुत जल्द होश में आएगी। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई नीति किस तरह से इशारा करके गुरविंदर को बुलाती है। प्लीज वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे बीच हुआ था वो हमारी मर्जी से हुआ था, अब जो यहाँ हो रहा है वो भी सबके सब बड़ों की मर्जी के साथ ही हो रहा है। सबको पता चल गया है हमारे बीच जो हुआ। और यहाँ पर गुरविंदर जैसे ही नीति के पास पहुंचती है तो भाई दोनों कुछ खुसफुस कर रहे हैं कान में। और इसी के साथ यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि नीति जो है वो गुरविंदर के साथ मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रही है हमारे पार्वती के अगेंस्ट। लेकिन वो प्लानिंग क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर हमारी पार्वती जो है वो पूरी तरीके से टूट गई है, थक गई है ये ड्रामा करके, ये नाटक करके। क्या पता चल गया सबको, क्या हुआ था? मैं क्या ही बोलूं, पर जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, सो एंजॉय दी रोक का। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी बबली कि हमारा वीडियो इतना अच्छा आएगा। नीति से उसका बदला लेने की कोशिश कर करके थक गई है, राजीव से दूर रह के थक गई है, अब उससे और नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं हम कहानी में देख सकते हैं कि हमारी पार्वती के अंदर जो पुरानी परी थी जिसे हमारी पार्वती ने दफना दिया था वो दोबारा से बाहर आने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि भाई हमारी पार्वती जो है पूरी तरीके से टूट गई और अंबिका से वो कह रही होती है, यानी कि अपनी माँ से वो कह रही होती है कि अब जो दिखाना था पब्लिक को वो दिखा दिया। आगे जो तू थप्पड़ मार के भागी थी ना, वो ना तुझे याद है ना मैंने वीडियो में रखा है। वैसे तेरी तरह तेरी बहन को भी थप्पड़ मारने का बहुत शौक था। उससे और नहीं हो रहा, वो नीति से बदला नहीं ले सकती, उसकी जान नहीं ले सकती, कितना कुछ भी हो आखिर वो उसकी दोस्त थी, उसकी सहेली ही थी। और यहाँ पर अंबिका फिर से दोबारा से हमारी पार्वती को याद दिलाएगी कि किस तरह से नीति ने उसके साथ कितना बुरा किया, उसकी उसके बच्चे को छीना और किस तरह से उसके साथ इतना गलत किया। और राजीव भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि नीति के साथ साथ राजीव भी शामिल है इस लिस्ट में। तो इस वजह से यहाँ पर हमारी अंबिका जो है दोबारा से पार्वती को याद दिलाती है अपने मिशन के बारे में। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार हमारी परी जो है यानी कि पार्वती जो है दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएगी और ये भगवान के सामने अभी रिक्वेस्ट करने वाली है कि वो पुरानी परी को वापस नहीं आने देना चाहती। और इसी के साथ हम देखेंगे कि पार्वती दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी नीति से बदला लेने के लिए। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई नीति एक नई प्लानिंग के साथ सामने आई है, जहां पर हम देखेंगे कि इस बार वो पार्वती का एक्सीडेंट कराने वाली है। जी हां, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहां पर पार्वती का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन यहां पर समय रहते ही राजीव पहुंच जाता है अपनी पार्वती को बचाने के लिए। लेकिन आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार पार्वती की जान बच पाती है या नहीं।